हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियोलॉजी क्लासेस बीए पार्ट टू। टुडे आवर टॉपिक इज कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। ओके, भारत में निर्धनता के कारण। ओके स्टूडेंट्स, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ओके, नंबर वन टॉपिक है हमारा सामाजिक कारक। सोशल फैक्टर्स इज अ कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, सामाजिक कारक। सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस, ओके मीन्स सोशल फैक्टर्स। ओके, भारत में निर्धनता के लिए सामाजिक कारक अधिक उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। इसलिए अनेक लोगों का कहना है कि निर्धनता का मूल कारण समाज में ही बेगुमान है। प्रमुख सामाजिक कारण निम्नांकित हैं, जैसे नंबर वन है आपका रिलीजन, धर्म। ओके, धर्म भी कभी कभी समाज पर बुरे प्रभाव डालता है। भारतवासी धर्म के आधार पर ही अंधविश्वासी बने हुए हैं। कुछ लोग हर बात का संबंध भाग्य से जोड़ते हैं। अशिक्षित लोग धार्मिक संस्कारों पर कर्ज लेकर हजारों रुपए व्यय करते हैं। गरीब व्यक्ति गरीबों को भगवान का दिया हुआ अभिशाप मानता है, जिसे दूर करना कठिन है, इसलिए वह ज़्यादा कठिन प्रयास भी नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जॉइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार। ओके, देश में निर्धनता बढ़ाने के लिए संयुक्त परिवार प्रणाली भी उत्तरदायी कही जा सकती है। संयुक्त परिवार प्रणाली व्यक्ति में आलस्य उत्पन्न कर देती है। यह व्यक्ति को घर से बाहर जाने का अवसर प्रदान नहीं करती। इससे बाल विवाह को भी बढ़ावा मिलता है और इन सब कारणों से निर्धनता बढ़ती चली जाती है। ओके, तो ये ज्वाइंट फैमिली सिस्टम, संयुक्त परिवार प्रणाली भी निर्धनता का ही महत्वपूर्ण कारक है। क्योंकि सपोज करिए फैमिली में एक मेंबर है अर्निंग वाला और बाकी सब हैं खाने वाले, ठीक है। अब एक व्यक्ति की पे है केवल 1000 रुपये और खाने वाले मेंबर कितने हैं, 8 लोग, तो उस 1000 रुपये में कहाँ से उन 8 लोगों को भरपेट भोजन देगा अगर जॉइंट फैमिली में रह रहा है, ठीक है। तो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ये भी निर्धनता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है। ओके, नेक्स्ट है सामाजिक कुप्रथाएं, सामाजिक कुप्रथा, सोशल इविल्स। ओके, सामाजिक कुप्रथाएं भी समाज में निर्धनता उत्पन्न करती हैं। भारतवर्ष में अनेक ऐसी कुप्रथाएं हैं जैसे दहेज, बाल विवाह, पर्दा, जाति व्यवस्था आदि। इन्होंने भारतीय समुदाय को अनेक प्रकार से हानियां पहुंचाई हैं और निर्धनता बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। ओके, वर्तमान समय में निर्धनता को प्रमुख आर्थिक समस्याओं की भी देन माना जाता है। निम्न आर्थिक कारणों के फलस्वरूप निर्धनता बढ़ती है, जैसे आर्थिक मंदी, इकोनॉमिक डिप्रेशन। आर्थिक मंदी के फलस्वरूप भी समाज में निर्धनता व्याप्त हो जाती है। पूंजीपति कारखानों में खूब धन लगाकर उत्पादन में वृद्धि कर लेते हैं। ग्राहकों की मांग न होने के कारण माल बहुत कम बिकता है। इस प्रकार से मांग व पूर्ति में एक बहुत ही बुरी स्थिति उत्पन्न हो जाती है,
ठीक है, असमंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिससे उत्पादन बढ़ता है, मांग कम होती है, माल की बिक्री के लिए मिल मालिकों को सस्ते दामों पर विक्रय करना पड़ता है, इससे बाजार में वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं, इसलिए मिल मालिकों को मिल व कारखाने बंद करने पड़ते हैं और इससे कारखानों में काम करने वाले हजारों श्रमिक बेकार हो जाते हैं। इस बेकारी की अवस्था में उनका निर्धन होना अनिवार्य है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इनसफिशिएंट प्रोडक्शन, अपर्याप्त उत्पादन। ओके, यदि देश में अपर्याप्त उत्पादन है तो वहाँ के श्रमिकों को नौकरियों के भी अवसर प्राप्त नहीं होते हैं, राष्ट्रीय आय भी कम होगी और प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय भी कम होगी। हमारे देश की बिगड़ती आर्थिक दशा एवं महंगाई अपर्याप्त उत्पादन का अभिशाप है। जब समाज में उत्पादन कम होता है तो चीज़ों की कमी हो जाती है, इसके फलस्वरूप महंगाई बढ़ने लगती है और धीरे धीरे अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं जो निर्धनता को बढ़ावा देती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा राजनीतिक कारक, पॉलिटिकल फैक्टर्स। ओके, राजनीतिक कारक भी गरीबी का एक महत्वपूर्ण कारक है, जैसे कि इसमें है राजनीतिक कारक में वॉर प्रॉब्लम, युद्ध की समस्या। भारत को पिछले 40 वर्षों से 4 बड़े बड़े युद्धों का बोझ भी उठाना पड़ा। युद्ध की समस्या के कारण भी भारत को गरीबी का सामना करना पड़ा। सबसे पहले द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय पूंजी का अंग्रेजों ने बुरी तरह अपव्यय किया। इसके बाद 1962 में चीन के द्वारा आक्रमण हुआ और 1965 और 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण हुआ। यहाँ की अर्थव्यवस्था पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बांग्लादेश के शरणार्थियों और पाकिस्तान के युद्ध बंदियों पर होने वाले व्यय की राशि भी कम नहीं रही। सन 1985 से आज तक श्रीलंका से आने वाले तमिल विस्थापितों के कारण भारत का आर्थिक बोझ बढ़ा है। कश्मीर तथा दूसरे क्षेत्रों में भी आतंकवाद बढ़ने से भी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ओके, तो ये क्या है, एक तरीके से युद्ध की समस्या भी राजनीतिक कारक का गरीबी में महत्वपूर्ण कारक है। ओके, नेक्स्ट है आपका जनसंख्यात्मक कारक, डेमोग्राफिक फैक्टर्स। अधिक जनसंख्या निम्नांकित रूप से निर्धनता की समस्या में भी वृद्धि करती है, जैसे कि जनसंख्या के बढ़ने से अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता को विदेशों से खाद्यान्न मंगाकर पूरा किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, संपत्ति का एक बड़ा भाग हमारा विदेशों को चला जाता है। नंबर टू, जनसंख्या के बढ़ने से प्रत्येक व्यक्ति को सरलतापूर्वक रोजगार नहीं दिया जा सकता। नंबर थ्री, मांग की अपेक्षा श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने से कारखानों के मालिक श्रमिकों को कम मजदूरी देना शुरू कर देते हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर और भी निम्न हो जाता है। नेक्स्ट, जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है और इस प्रकार श्रमिकों को गंदी बस्तियों में रहना पड़ता है, इससे उनकी कार्यशक्ति कम हो जाती है और इस प्रकार उन्हें अपना संपूर्ण जीवन निर्धनता में व्यतीत करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या की वृद्धि से भूमि के विभाजन की भी समस्या पैदा होती है, जिससे क्या होता है, भूमि की, यह सर्वविदित है कि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर उत्पादन ही कम नहीं होता बल्कि भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो भी कम होने लगती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल फैक्टर। कई बार मानसिक शारीरिक चारित्रिक दोष व्यक्तिगत निर्धनता का भी कारण बन जाते हैं। ओके, निर्धनता के प्रमुख व्यक्तिगत कारक निम्न हैं, जैसे कि मानसिक दोष, मेंटल डिफेक्ट्स। यदि व्यक्ति
का मस्तिष्क रोगग्रस्त है अर्थात व्यक्ति पागल है तो वह किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है, अतः उसके पास जीविकोपार्जन का कोई भी साधन नहीं होगा। मानसिक रूप से दोषी व्यक्ति साधनों का सदुपयोग भी नहीं कर पाएगा, अतः उससे उसकी निर्धनता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसीज, बीमारियाँ, सॉरी लेजीनेस, आलस्य। सेकेंड पॉइंट है हमारा आलस्य, लेजीनेस। जो व्यक्ति आलस्यपूर्ण जीवन बिताते हैं वे प्रायः निर्धन होते हैं, क्योंकि वो कार्य करना नहीं चाहते हैं, और भारतीय समाज में इसे भी निर्धनता का एक व्यक्तिगत कारक बताते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका डिसीज, बीमारियाँ। शारीरिक दोष या बीमारी दोनों दशाएं भी व्यक्ति का निर्धन बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होती है। यदि कोई व्यक्ति जन्म से अंधा, लंगड़ा, अन्य किसी शारीरिक दोष से पूर्ण है या किसी दुर्घटनावश उसका शरीर दोषी हो जाता है, तो ऐसी अवस्था में उसे जीविकोपार्जन करने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एल्कोहलिज्म, मद्यपान। जिस समाज में व्यक्ति अधिक मद्यपान करते हैं, ड्रिंक करते हैं, वहाँ भी निर्धनता बढ़ने लगती है। व्यक्ति नशे के लिए अपने तथा अपने परिवार की मौलिक आवश्यकताएं भी त्याग देते हैं। ओके, वे काम पर भी नहीं जाते हैं और उनका स्वास्थ्य भी गिरने लगता है, जिससे क्या होता है उनका व्यक्तिगत और पारिवारिक विघटन भी होने लगता है। ओके, और इससे निर्धनता बढ़ने लगती है। So this is the all causes of poverty in India. Okay? So thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much. Milte hain next video mein. Tab tak ke liye. Thank you.